और क्या क्या हुआ था? कोडिंग डिकोडिंग फ्लोस डायरेक्शन ब्लड इनइक्वालिटी हुआ है. अच्छा ये भी हो गया राइट. यस सर, सब पजल लो ना. तो सीरीज हमारा नहीं नहीं यार सीरीज खत्म कर देते हैं ना हम लोग. जब सब हो चुका है तो सीरीज खत्म कर देते हैं, फिर आराम से हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि इसको पूरा टाइम देंगे हम लोग. क्योंकि एग्जाम तक हमारा ये चलते रहेगा तो कैसे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ सीरीज खत्म कर दूँ, बाकी आपका क्या होगा फिर छोटे छोटे जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी और साइड बाय साइड पजल भी का पजल का प्रैक्टिस चलते रहेगा. इसलिए सोच रहा हूँ मैं सीरीज एक दो लेक्चर में खत्म कर दूँ, फिर हम लोग पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पर पूरा ध्यान देंगे. चलो ऐसा आपका साइड बाय साइड पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का मैं प्रैक्टिस कराते रहूंगा और साथ ही साथ आपके जो छोटे छोटे चैप्टर है वो अलग से प्रैक्टिस करते रहोगे तो दोनों साथ में चलेगा. ये ऑलमोस्ट बैंकिंग का प्रोसेशन तो हो गया है, सबका सेम है ना? कुछ अलग है क्या स्टूडेंट बताइए, कुछ अलग है क्या? किसी का पोर्शन जो इन्होंने बताया वही सेम है ना? ओके चलो सीरीज की बात करें हम लोग. तो देखो बैंकिंग का सीरीज अलग होता है और एसएससी का सीरीज अलग होता है, दोनों के सीरीज अलग अलग आते हैं. अगर मैं बैंकिंग का सीरीज की बात करूं, बैंकिंग और इंश्योरेंस अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो बैंकिंग और इंश्योरेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, एसएससी का सीरीज थोड़ा टोटली डिफरेंट है. बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करूं तो आपको ये डायरेक्टली 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. एक बार हमारा बैंकिंग का एसएससी बैंकिंग का खत्म हो जाएगा देन हम लोग एसएससी वाले सीरीज पे आएंगे. ठीक है, बैंकिंग में ये कंफर्म पकड़ के चलो 5 मार्क आता है ये सीरीज का क्वेश्चन. अभी तक तो जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं और जितने भी मतलब एग्जाम्स हुए हैं 5 मार्क के सीरीज के क्वेश्चन प्री में आता ही आता है. और रही बात इसके टाइप्स की तो मैं बता देता हूँ कितने टाइप्स की होते हैं. ये आता है एक मिक्स फॉर्मेट में आता है जिसमें आपका अल्फा भी रहेगा, न्यूमेरिक भी रहेगा और सिम्बल्स भी रहते हैं. तीसरा रहता है आपका न्यूमेरिक फॉर्म में आता है जिसमें ये क्या होता है ग्रुपिंग फॉर्म में आता है नंबर्स में, और आता है डिजिट फॉर्म में, रैंडम नंबर आता है इसमें डिजिट फॉर्म में. तीसरा आता है अल्फा में, अल्फा में क्या आता है वर्ड्स आते हैं और यहाँ पे आता है और अल्फाबेट्स के सिंगल सिंगल वर्ड आपके आएंगे स्टेटमेंट टाइप में. इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, मिक्स में आएगा, न्यूमेरिक में आएगा, अल्फा में आएगा. न्यूमेरिक में 2 टाइप होंगे, ग्रुप नंबर होगा जैसे ग्रुपिंग नंबर बोलते हैं नंबर 9, 8, 2, 4, 6, 8 ऐसा आएगा, और डिजिट रैंडमली नंबर्स होंगे मतलब 1, 4, 5, 6 सिंगल सिंगल डिजिट के आएंगे. सेम थिंग अल्फा में भी दो टाइप है, वर्ड्स का है और अल्फा न्यूमेरिक का है. अल्फाबेट सीरीज का जैसे अल्फाबेट सीरीज में कुछ भी आ सकता है, सी जेड एक्स वाई कुछ भी आ सकता है सिंगल डिजिट में, और वर्ड्स में कैसा होगा टॉम हैरी ऐसा ऐसा नाम आएंगे जिसको हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे. तो ये होता है सीरीज 3 टाइप, उसके भी सब टाइप्स हैं और ये 5 मार्क पकड़ के चलो 99% आपका एग्जाम में आता ही आता है 5 मार्क का. बैंकिंग एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम से बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर? चलो रफ कर दूँ इसे मैं, ये उतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में आएंगे तो समझेंगे. रफ कर दूँ? हाँ सर. आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, तो कुछ भी डाउट रहेगा सीधा पूछो, ठीक है? क्योंकि तो मेरा दोनों तरफ ध्यान रहेगा आपकी तरफ और यहाँ पे, तो आपको कोई डाउट होगा मुझे वहां पे रोकना जिस तरह ये डाउट है कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? मैं तो रफ करने जाऊंगा फिर आप बोलोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बाकी लोग भी हैं क्लास, ठीक है? पहला चैप्टर है आपका यहाँ से स्टार्ट.
देखो कोई लिखेगा नहीं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन है सॉल्व करके बताऊंगा। पांच टाइप के पांच क्वेश्चन आते हैं और यही पांचों टाइप सारे टाइप्स में घूमते रहेगा, ठीक है। कोई लिखेगा नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, पहला एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया फिर आपको देखना, फिर फटाफट खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। देखो ये मैं लिख रहा हूँ मिक्स वाले, आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया होगा, बोर्ड विजिबल है ना, दिख रहा सबको? आपको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ऊपर मिक्स फॉर्मेट में एलिमेंट्स दिए हुए, राइट, दिए हुए है ना, जिसमें अल्फा भी है, न्यूमेरिक भी है और साइन भी है, राइट, है ना कि नहीं है, है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. है ना, देखो इसके एग्जाम में पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पांचों क्वेश्चन पहले मैं ले लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, देन वही पांच क्वेश्चन हर एक टाइप में रिपीट होते रहेगा। देखो हाउ मेनी सच अ लेटर, लेटर्स मतलब क्या होता है, ए टू जेड, ए बी सी डी, इसमें कॉन्सोनेंट भी आते हैं और वॉवेल भी आते हैं, राइट? यस। ठीक है, हाउ मेनी सच अ लेटर्स आर देयर गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच हर एक इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब किधर आएगा पता है, आगे आएगा, याद रखना कभी भी फॉलोड हम लोग आगे लेते हैं, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हम लोग आगे लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हमारे आगे कोई होता है तो भी हम फॉलो करते हैं किसी को, बराबर कि नहीं स्टूडेंट, बताइए बराबर कि नहीं? Yes. और also preceded by a constant, preceded मतलब होता है पहले, याद रखना preceded का मतलब होता है पहले, जस्ट पहले, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, preceded मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि रिचार्ज किया, प्रीपेड, प्रीपेड बोलते हैं ना, प्रीपेड पहले पे करो फिर बात करो, तो प्रीपेड होता है, वैसे ही प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब पहले, समझ रहे स्टूडेंट, बताओ? यस। ये फॉर्मेट आप लिख लीजिए चाहिए तो, प्रीसीडेड पहले आता है और फॉलोड बाय आगे आता है, ये फॉर्मेट चाहिए तो लिख लीजिए। अब ये मुझे बात बताइए, किसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं पता, ये बताइए किसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं पता, कोई है जिसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल में डिफरेंसेस नहीं पता, सबको पता है? यस सर, कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल्स पता है, वॉवेल्स पता है, कॉन्सोनेंट नहीं पता, राइट, कोई है तो बताओ, कोई है तो, वॉवेल्स पता है, कॉन्सोनेंट नहीं पता, ओके कॉन्सोनेंट नहीं पता, ठीक है, और कोई है जिसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस नहीं पता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट पता है आपको, वॉवेल बताओ, हाँ बताओ ना, ए ई आई ओ यू, राइट, ये है हमारा वॉवेल,
इसको एग्जैक्टली। चलो देखो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में फर्क समझ लो। हमारे लेटर्स अगर बोला लेटर्स अगर बोला तो उसमें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों ऐड होता है, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लेटर में सब आते हैं। वैसे ही अब लेटर्स में दो आता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब ये वॉवेल होता क्या है? वॉवेल वो वर्ड जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल है। अब इसको छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ पता चला? एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, बाकी सब सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। क्लियर एवरीवन या नहीं है बताओ? यस सर। बाद में फिर पूछना नहीं, क्लियर है ना? पक्का बता रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है ना कि मैं रफ कर रहा हूँ? बाद में ये मत बोलना सर, फिर से बताओ, समझा नहीं? 10 बार पूछ चुका हूँ मैं, क्लियर है, कोई रिप्लाई आता नहीं आप लोगों की तरफ से। मतलब मैं समझ लेता हूँ, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया तो मैं इनडायरेक्टली समझ लूंगा कि क्लियर है मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ मुझे लगता है ऐसा लॉग इन करके बैठ जाते हो। वो भी कृपया मत करो, लॉग इन भी मत करो, ऐसे घर पे सो जाओ, तो यही बोलता हूँ। लॉग इन करके क्या दिखावा करना, जब बोलना ही नहीं आप लोगों को। पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, पढ़ो ही मत, छोड़ दो, आराम से सो जाओ घर पे। लॉग इन क्यों करते? लॉग इन करके सोने से अच्छा ऐसे लॉग इन उसी सो जाओ, वैसे भी अटेंडेंस तो होता नहीं है, सो जाओ ऐसे, कोई फर्क नहीं है। आप अपनी जिंदगी खराब करोगे, मेरी नहीं। लेटर्स है, लेटर्स के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे ऑड नंबर चाहिए, ये फॉर्मेट में हमें ढूंढना है ऊपर के सीरीज में। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से आपको ऐसे हमेशा करना? हाँ ऑलवेज। देखो अगर आपको बोला फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब आगे लेना है, ये हमेशा करना है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माय मतलब पीछे, पीछे लेना है। ये देखो मैंने लिख के रखा है, अगर फॉलोड बोलना तो फॉलोड आगे वाले लेना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो मैंने ऑड नंबर को आगे ले लिया, और अल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को मैंने पीछे ले लिया, क्योंकि ये प्रीसीडेड बाय है। और हर बार चेंज होगा, मतलब कभी कॉन्सोनेंट आगे हो सकता है, ऑड नंबर पीछे हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बट आपका फिक्स फॉर्मेट क्या होगा, फॉलोड आगे आएगा, प्रीसीडेड पीछे आएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अभी यही फॉर्मेट में आप मुझे सारे ढूंढने, हमें यहाँ पर ऊपर सीरीज में ढूंढने, ये फॉर्मेट में कितने आपको पेयर मिलते हैं। देखिए आपको लेटर दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है, ऑड नंबर दिया है, आपके लिए इजी आइडेंटिफाई करने वाला चीज क्या है? नंबर है, लेटर है, कॉन्सोनेंट है? लेटर। लेटर इजीली आइडेंटिफाई होता है कि नंबर आइडेंटिफाई इजी होता है? नंबर। नंबर जल्दी दिख के आता है ना अलग से, लेटर में देखो कंफ्यूज जाओगे आप, ये साइन भी है, तो नंबर इजीली आइडेंटिफाई होता है ना। अगर हम नंबर से शुरुआत करें तो नंबर के जस्ट पीछे होना चाहिए लेटर, और लेटर के जस्ट पीछे होना चाहिए कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखो ये लास्ट से स्टार्ट करो या फर्स्ट से स्टार्ट करो, आप लोग बताओ, लास्ट से स्टार्ट करो या फर्स्ट से स्टार्ट करो? फर्स्ट से। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर आया कि नहीं, आया कि नहीं नंबर? यस सर। ऑड नंबर, उसके पहले चाहिए लेटर, क्या इससे पहले लेटर है? क्या साइन है ना? लेटर नहीं है ना? साइन। आगे से बढ़ेंगे तो ये हो गया इवन नंबर। इवन नंबर ने पूछा है क्या यहाँ पे? नहीं। ऑड और इवन पता है ना सबको, ऑड और इवन क्या होता है? तो ये हो गया इवन नंबर, ये भी हो गया इवन नंबर, ये भी हो गया इवन नंबर, छोड़ दो, ये भी हो गया इवन नंबर, इसको भी छोड़ो। अब ये देखो 9 दिया है ऑड नंबर, ऑड नंबर के पहले चाहिए लेटर, तो ऑड नंबर के पहले लेटर आया कि नहीं बताओ मुझे? यस सर। ये लेटर के पहले चाहिए हमारा कॉन्सोनेंट, बट ये तो वॉवेल है ना? यस सर। वो तो राइट। अब ये आ जाते हैं नंबर पे, ये भी हमारा हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर के पहले चाहिए लेटर, बट ऑड नंबर के पहले स्क्वायर दिया, साइन दिया, वो तो होगा नहीं। और ये हमारा 2 है कि जेड, एक मिनट रुक जाओ, ये जेड है,
तो बाकी कोई मिला क्या हमें ऐसा नंबर, बाकी कोई नंबर ऐसा मिला बताओ? नहीं, तो ये हमारा आंसर आएगा नन, मतलब एक भी नहीं आया तो हमारा आंसर आएगा नन। ये था आपका पहला क्वेश्चन सीरीज का, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पांच क्वेश्चन ले रहा हूँ, पांचों उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट होगा। क्लियर, पहला वाला क्लियर है? कोई डाउट ऐसा पूछता है? नोट डाउन कर लीजिए। नाइन के पीछे सी है ना? हाँ सी है। तो वॉवेल्स थोड़ी है वो? जी 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 जी, ये नाइन के पीछे सी है। सी हाँ, तो सी वॉवेल्स नहीं है ना? नहीं नहीं, ऑड नंबर है नाइन, बरोबर। सी हमारा लेटर है, और सी के पहले क्या है? यू है ना, हमें कॉन्सोनेंट। ओके ओके ओके, नोट डाउन कर लीजिए। आर के बाजू में थ्री है, और वो साइन है। और वो साइन है, उसके बाद एंड है, एंड का साइन है। हो गया? नो सर। हाँ लिख लो, हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। अभी पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन चंद्रशेखर। ओके सर। आप तो थे ना पहले से, स्टार्टिंग से ही हो, मतलब अभी लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ सर, अभी वो नेटवर्क इश्यू था ना, इसके लिए फिर अभी लेट ज्वाइन किया। ओके 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 ओके। बाकी लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है? एग्जाम एग्जाम्स आने वाले हैं, एक महीने रह गए। पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा? सीरियस हो ना पढ़ाई को लेके। अच्छा, जितने भी चैप्टर करा है सबने प्रैक्टिस किया अच्छे से? लोग न्यू है। मयंक आप तो ओल्ड हो। नहीं सर, न्यू है मेरा, वन मंथ भी नहीं हुआ। मैं आपको दो महीने से देख रहा हूँ, मैं आप बीच में गायब हो जाते, बीच में गायब हो गए थे आप। हाँ वो बीच में थोड़ा। हाँ मैं आपको कितने दो या ढाई महीने से देख रहा हूँ आप बीच में गायब हो जाओगे तो न्यू तो हमें क्या होगा? 23 अगस्त तो मेरा फर्स्ट डे था। अगस्त सितंबर अक्टूबर कितना महीना हो गया? ढाई महीना हो गए। सितंबर चालू है, अगस्त सितंबर डेढ़ महीना हो गया। महीना भी नहीं हुआ अभी तक।
एक महीने में हमारा ऑलमोस्ट 4 चैप्टर हो गया है, क्योंकि मैंने नया बैच स्टार्ट किया था मॉर्निंग में। नया बैच स्टार्ट किया था ना मॉर्निंग में, स्टूडेंट बताओ। यस मैं, कितना चैप्टर हुआ आपका, फिर भी अंदाजन कितना हुआ रहेगा? मेरा सिलॉग्स हो गया है। सिलॉग्स एक ही हुआ है? ब्लड रिलेशन भी हो गया है। ओके, और बस उतना ही हुआ है, वही हुआ है। ओके, ऐसा गायब मत रहा करो, क्योंकि मैं एक महीने के अंदर, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये कवर किया था मैंने स्टूडेंट, ये कवर किया था ना मैंने, और डायरेक्शन ये भी कवर किया था। यस, ये गायब मत रहो क्योंकि आपका लॉस हो रहा है इसमें। ओके सर, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, उसमें जो मिक्स वाला रहता है ना, आउट्स नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिक्स, मेरे को पर बनता ही नहीं, मेरा एक भी नहीं बन रहा है। लेकिन वो सिखाया तो था मैंने। हाँ सर, बट ना वो ना बहुत कंफ्यूज हो जाता, बाकी पजल बन रहा है और बाकी सब बन रहा है, मतलब स्लो बन रहा है लेकिन बन रहा है, लेकिन वो मिक्स वाला नहीं। मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाला हूँ अभी जस्ट, आफ्टरनून में तो हो गया हमारा सेटिंग ऑफ पजल, तो मॉर्निंग में मेरा हुआ है पर ना मुझे आता नहीं। आप मॉर्निंग में स्टार्ट करूंगा फिर से, तभी देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आज और कल में ये सीरीज खत्म हो जाएगा, कल तक खत्म हो जाएगा, तो अगले हफ्ते से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे पूरा ध्यान देंगे। हां सर, 35 में से तो 20 मार्क का सेटिंग ऑफ पजल ही आता है। रब कर दो अभी, हो गया? लेकिन आप लोग को जितना चैप्टर हुआ है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना साइड बाय साइड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ जो एटलीस्ट आप 35 में से 30 मार्क्स तो लाओ एटलीस्ट। कम से कम आप जो कराते हो वो रिलेटेड ही आता है ना सब कुछ? वो रिलेटेड ही आता है जो मैं करा रहा हूँ। मतलब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पढ़ाऊंगा वो आपको कॉपी पेस्ट होगा, क्वेश्चंस अलग आएंगे, लेकिन जो पैटर्न होगा वही होगा। मतलब आपको कुछ अलग से देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको वही देखने को मिलेगा 95%। 5% कुछ नया उन्होंने लाया तो मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन 95% आपको वही देखने को मिलेगा। SBI किसी ने दिया था क्या? SBI का एग्जाम, RRB का एग्जाम किसी ने नहीं दिया था? SBI, RRB? मैंने दिया था सर। अच्छा, पूजा जो पढ़ाया था वो आया था क्वेश्चन? सर मैं तभी न्यू थी। तभी न्यू थे क्या? और कोई है? और कोई दिया था? SBI क्लब का रिजल्ट नहीं आया सर। नहीं अभी तक नहीं है, होल्ड पे अभी। और कोई किसी ने नहीं दिया एग्जाम? देखो मैं ये कहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा ये नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। अरे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये डिक्टो नहीं आएगा। आप बोलोगे सर थोड़ा डिक्टो आ गया, थोड़ा क्वेश्चन में भी लोग ट्विस्ट करते हैं, बट आएगा तो वही आएगा। 95% बोल रहा हूँ वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे भरोसे मत बैठना कि 95% सर ने बोल दिया है, जो सर ने दिया है वही पढ़ के जाऊंगा। नहीं, प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, तो ट्विस्ट आपको जो भी करेगा वो सीखना है कि उस ट्विस्ट किया तो टैकल कैसे करना है। जिस दिन वो आ गया आपको तो समझ जाना कि आपको अलग से करने की प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितना क्वेश्चन कर दिया सिर्फ आप उतना ही क्वेश्चन करके गए तो मजा नहीं आएगा, फिर आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, आएगा, नहीं प्रॉब्लम थोड़ा सहना पड़ेगा अगर उन्होंने ट्विस्ट कर दिया तो क्वेश्चन में। तो इससे अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस करो, साथ बाय साथ अलग से प्रैक्टिस करते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 95% जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ 99% आएगा ही आएगा जो पढ़ा रहा हूँ, चाहे पजल हो, सिटिंग हो, चाहे ये सीरीज हो, ब्लड रिलेशन हो, अलग से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मेहनत अलग से आपको करना पड़ेगा। सर ग्रेड अप से प्रैक्टिस कर रहे, सही है ना? ग्रेड अप से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आपका देखो इनिशियल स्टेज पे मैं बताऊँ, इनिशियल स्टेज में आपको ग्रेड अप पहले ही लेना चाहिए। ग्रेड अप आपने यूज कर रहे हो क्योंकि मान लो मैंने सीरीज पढ़ाया, आप अपने एडमिशन लिया 1.5 महीना या 2 महीना हुआ है, तो आपने प्रैक्टिस मतलब करनी है पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने सीरीज पढ़ाया, मैंने बोल दिया मेरा सीरीज खत्म हो गया, तो आप जाओ ग्रेड अप पे, सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन लगा दो, फिर आप कन्फर्म हो जाओगे कि मेरे को सीरीज आ गया। भाई मैंने ब्लड रिलेशन के दिन पढ़ाया, ब्लड रिलेशन की मैंने बोल दिया कि ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, आप क्या करो ग्रेड अप पे जाओ, ब्लड रिलेशन सारे क्वेश्चन लगा दो, फिर आपको उतना समझ में आएगा कि मेरा मुझे कितना समझा है, मैं मेरे से क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे, ये आपको समझेगा।
फिर वहां से आपको डाउट निकलेंगे, फिर आप डाउट पूछोगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपका चैप्टर क्लियर होगा। तो पहले आप चैप्टर्स क्लियर करो, चैप्टर्स क्लियर करने के बाद फिर आप वापस आ जाओ अड्डा 247 पे। जैसे आपके चैप्टर कम्प्लीट हो गए, मैंने बोला रीजनिंग का पोर्शन खत्म, और आपने वन बाय वन सारे चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, फिर अड्डा 247 पे आओ, डेली क्विज लगाओ मिक्स, फिर मिक्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आपने चैप्टर वाइज किया था प्रैक्टिस, तो आपको कैसा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, बट मिक्स में दिमाग काम नहीं करता, तो मिक्स से तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो मिक्स में काम करोगे, आपको एग्जाम मिक्स में देना है, तो मिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें 5 क्वेश्चन आ गए मान लो सीरीज के, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, 10 क्वेश्चन अपने पर्सनल सेटिंग अरेंजमेंट के, तो मिक्स में सॉल्व करो, मिक्स उसके अकॉर्डिंग ब्रेन काम करेगा, और तो अड्डा 2% का मिक्स सीरीज मिक्स में भी आपका कमांड आ जाएगा। फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर आप टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर टेस्ट सीरीज की ही प्रैक्टिस करो, बाकी आपको फिर पढ़ना नहीं है दोबारा, तो दोबारा ये सब पढ़ना ही नहीं, फिर बुक रद्दी में डाल दो तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाओ और टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज करो, बस टेस्ट सीरीज ही पूरा खेल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। सर टेस्ट सीरीज क्या क्या टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी? लेकिन पहले डायरेक्टली खरीदना मत, पहले ग्रेडअप पे प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के ग्रेडअप पे प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया मैंने, तो वो जो मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से फिर अब क्या करना, अड्डा 247 में मिक्स प्रैक्टिस करने की थोड़ी हैबिट डालना, मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो कैसा पैनिक नहीं होना है कि अरे मैंने तो चैप्टर वाइज पढ़ा है तो मिक्स आ गया अब क्या करूँ, क्योंकि टाइमर चलते रहता है, टाइमर से कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से सॉल्व करना, मतलब ऐसा घाई नहीं करना कि मतलब ऊपर टाइमर चल रहा है मेरे को रैंक मारना, रैंक नहीं मारना आपको, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चंस बन रहे हैं वो टाइम के अंदर वो देखना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका वो क्वेश्चन पे कमांड आते जाएगा, और क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो कमांड आते जाएगा, और दूसरी बात कम टाइम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना, फिर आप टाइमिंग को देखो, लेकिन स्टार्टिंग में टाइमिंग को मत देखना, फिर आप क्या करना जब इन दोनों पे हो जाएगा कमांड तो टेस्ट सीरीज लेना, टेस्ट सीरीज डेली का एक लगाना, और डेली का टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना, बाकी अलग से पढ़ने गरज ही नहीं है, पूरा कवर हो जाएगा इसमें से क्लियर, फिर मेंस की पढ़ाई करना पड़ेगा फ्री हो जाएगा तो, क्लियर हो गया सर? वो अड्डा 247 की बुक लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं बुक कुछ नहीं लेना आपको, बुक वगैरह कुछ नहीं लेना है आपको, आपको टेस्ट सीरीज ले लो बहुत है, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज मत लो, आप अभी ग्रेड अप से ना सॉल्व करो, ग्रेड अप में भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वो सिलॉग में ना मतलब 10 में से 5-6-7 राइट आ रहे, मतलब मैं एक बात बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग सब्जेक्ट बता रहा हूं, देखो पहला इनइक्वालिटी, एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सिलॉग एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो रहा है मतलब सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा ब्लड रिलेशन, पांचवा सीरीज, छठवा आपका इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, ये चैप्टर है ना, इससे एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतनी परफेक्ट कर लो अभी, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, इतना परफेक्शन ला दो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने तक, इसमें से एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक भी रॉन्ग नहीं होना, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी रॉन्ग करने ऐसा है नहीं, सिलॉग भी रॉन्ग करने ऐसा ही नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग के अंदर कॉमन होगी तो आंसर सामने मिलता, रॉन्ग करना ही है, ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन सब रॉन्ग करने ऐसा नहीं है, सीरीज में पढ़ा ही रहा हूँ, डायरेक्शन ऑलरेडी दिया सॉल्व कर चुके हैं, इसमें से एक भी रॉन्ग करना नहीं, क्योंकि ये सारे चैप्टर से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 15-20 मार्क्स, ये सिर्फ चैप्टर से बोल रहा हूँ बैंकिंग वालों को, 15-20 मार्क ये क्वेश्चन आए, चाहे वो आपको सिलॉग दे दे, कोडिंग दे दे, या फिर इनइक्वालिटी दे दे, ब्लड रिलेशन दे दे, लेकिन इसमें से ही 15 मार्क्स घुमा फिरा के आएगा। और रही बात बाकी के 15-20 मार्क की, तो ये 15-20 मार्क आपको आएंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, जिसका हो गया है ये चैप्टर 1-6 तक, वो डेली आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, डेली बोल रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ग्रेडअप से जो फिर क्वेश्चन जो आते हैं पूछो मुझसे, मैं आपका डाउट क्लियर करते चलूंगा, अगर पढ़ना है जेन्युइनली तो 1-6 तक क्लियर कर लो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पजल और सिटिंग, और तब तक एग्जाम आ जाएंगे, तब तक आप रीजनिंग में मास्टर कर लोगे आप, फिर आप जाओगे 35 में से 30 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो इजीली, 30 15 मार्क्स से 20 मार्क्स ये हो जाएगा, 15-20 क्वेश्चन है,
बस आपको टाइम टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा सर। तो टाइम मैनेजमेंट आपका ये प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर यस। चलो पढ़ाई करना है जेन्युइनली करो। देखो मैं कहता हूँ ना कि बार बार मरने से अच्छा एक ही बार मरो, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ हाँ सर। हैंडीकैप लोग को टाइम मिलता है क्या एक्स्ट्रा? हाँ मिलता है मिलता है। कितना हर सेक्शन में? हर सेक्शन में आई थिंक हर सेक्शन में 20 मिनट या हर सेक्शन में 20 मिनट या 15 मिनट ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हर एक सेक्शन में। बीच में मतलब कुछ 1 आवर का होता है हमारा नॉर्मल लोगों का, उनका शायद 1 आवर 25 मिनट ऐसा कुछ है। मैं भी हूँ शायद, मेरे को मिलेगा ना? मतलब मिलेगा मिलेगा मैं मिलेगा okay. आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और आप किसी को लेके जा सकते हो साथ में। ये सेंटर में होगा कि ऑनलाइन होगा? नहीं नहीं सेंटर में होगा। ट्राइब के लिए 100 रुपए किसी को लेके जा सकते हो साथ में। ओके मैं वही कह रहा था आप लोगों से कि मेहनत करना है, एक ही बार कर लो, बार बार ऐसा रखड़ाओ मत। एक ही बार कर लो ना 6 महीना मेहनत दम के, 6 महीने में आपके हाथ में नौकरी हो जाएगी। ये सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। तन्वी आपका हो गया है ना सब कुछ? तन्वी, सोनी, आचल, आरती, चंद्रशेखर हो चुके हैं ना आप लोग? आप लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, अगर मैं ऑफलाइन में होता ना तो आप लोगों का टेस्ट लेता फिर तो आप लोगों का, लेकिन आप लोग ऑनलाइन में हो बच गए। मैं तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कर रहा था, इतनी प्रैक्टिस कर रहा था कि आप लोग मेरे को मुझे देख के चिढ़ते, लेकिन एक टाइम आने के लिए चाहिए। हाँ यही चाहिए मुझे। लेकिन मैं कुछ लोग हैं जिसका टेस्ट लेंगे ना तो बच्चे चिढ़ने लगे ये सर हमारा अच्छा नहीं है टेस्ट लेता है, लेकिन वो बाद में ना जब आपको अच्छे रिजल्ट आने लगे तो बाद में खुद ही बोलते नहीं ये सर के वजह से मेरे को रिजल्ट आया। तो शुरू शुरू में चिढ़ना शुरू कर दोगे, चिढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन जब आपके रिजल्ट आएंगे तो याद करोगे आप। मेरे 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया मालूम है, जब मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा दिया, बहुत प्राउड फील करता हूँ। लोग भी मतलब ऐसी थे कि मतलब सर आपने चिल्लाते थे उनका काम आया उनको चिल्लाना। सर हमारा भी हो जाए? हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन आप फॉलो करो, मेहनत करो, डेफिनेटली होगा। तो सर ऑफलाइन कब चालू होगा? ऑफलाइन तो फिलहाल तो कौन बोल रहा है? तन्वी? यस सर। ऑफलाइन कहाँ पर रहते हो? डोंबिवली में रहते हो? डोंबिवली में ही सर। ओके तो ऑफलाइन के लिए तो फिलहाल तो अभी सर चालू करेंगे, इधर तो थाना में और इधर चालू है घाटकोपर में। सर आपका ऑफलाइन में कौन सा चैप्टर चालू है, पजल चालू है क्या? ऑफलाइन डोंबिवली में नहीं थाने में। थाने में पजल स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके मैं आऊंगी पजल में ऑफलाइन लेक्चर में। तो एक बार मैम से पूछ लेना एक बार कि मतलब क्या चल रहा है। सर दादर में भी आओगे? दादर मैम लंबा पड़ जाता है। दादर लंबा पड़ता है मैम। दादर से फोन आया था। दादर में नहीं देते हो? दादर में पढ़ाता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा लंबा पड़ता था। दादर में मैं पढ़ाया मैंने, दादर में सपना मैम के पास। तो वहाँ पर कौन लेता है फिर ऑफलाइन? चल अच्छे अच्छे सर लेते हैं। दादर में शायद अक्षय सर है वो लेते हैं। आरती बोरीवली में पता नहीं मुझे, बोरीवली में नए टीचर हैं रीजनिंग के।
हो गया आप लोग को सॉल्व करके, क्या आंसर है? दो सर, दो आए। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? लेटर था। इसमें आपको क्या दे दिया? सिंबल दे दिया। सिंबल मतलब साइन, वो तो जितने भी साइन लिखे हैं ना, साइन वो है ना, कितने साइन है जो फॉलोड बाय लेटर से हो रहा है और प्रीसीडेड बाय नंबर से हो रहा है, ऐसे कितने साइन है? चलिए सॉल्व करें हम लोग। कितना आंसर आ रहा है? दो दो सर। देखो लिखा है हाउ मेनी पिक्चर सिंबल्स आर देयर, देखो साइन है तो सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। कितने ऐसे साइन है, मैं कोई भी एक रैंडम साइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखिए ये साइन है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब आगे लेंगे, बरबर के नहीं स्टूडेंट बताओ, फॉलोड बाय लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब पीछे, प्रीसीडेड बाय और नंबर, तो मैं दो लिख लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए कि दो आना चाहिए, फिर साइन आना चाहिए, फिर लेटर आना चाहिए, तो ये फॉर्मेट में होना चाहिए। और इजी आइडेंटिफाई करने वाला नंबर क्या है? नंबर इजीली हमको रिकॉग्नाइज हो जाता है, पहचान में आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर है, नंबर के बाद लेटर है, हमें साइन चाहिए ना, ये होगा क्या, ठीक है, नंबर है, साइन है, फिर हमें लेटर चाहिए था, बट यहाँ पे तो नंबर दिया है ना, ये भी नहीं होगा। नंबर है, नंबर के बाद साइन चाहिए, बट यहाँ पे तो लेटर दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। नंबर है, साइन है और लेटर है, ये होगा कि नहीं? एक मिला। आगे देखो, नंबर है, आगे साइन चाहिए, साइन है क्या आठ के बाद? क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट? यस सर। नौ के बाद देखो साइन है और उसके बाद सेवन दिया, बट हमें तो लेटर चाहिए ना, नहीं हो रहा है। नंबर है, साइन है और लेटर, देखो ये हुआ कि नहीं? दो मिला, आंसर आएगा टू। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अब कर दूं। सर ये डायग्राम नहीं समझा, डायग्राम ये बीच ये, हाँ how many structural symbols are there in the given arrangement, साइन कितने हैं यहाँ पर in the given arrangement each of which immediately followed by and later, followed by a later, followed मतलब कैसे होता है सोनी, मुझे बताओ, आगे आता है later, आगे लेंगे ना, followed मैंने कहा था, तो मैंने ये later ले लिया, and also immediately preceded by a number, पीछे आना चाहिए number, तो मैंने जैसे ऐसा ले लिया, आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, नंबर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नंबर सिंबल और लेटर, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो नंबर है, यहाँ पे नंबर है, साइन है, साइन है, लेटर है, लेटर है, सुन समझ रहे हैं? हाँ समझा। क्लियर? हाँ। क्लियर हो रहा है? रफ कर दो इसे मैं। हाँ। क्या मैं रफ? Yes, पहला शुरू शुरू में थोड़ा सा हम लोग को टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमें पांच क्वेश्चन लेने हैं अच्छे से, देन बाद में देखना कल के लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। आज एक घंटे में एक क्वेश्चन हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कल के लेक्चर में देखना पूरा हमारा फटाफट तोड़े, क्योंकि यही पांच क्वेश्चन बार बार घूम के आएंगे। तो ले लेते हैं क्वेश्चन। इफ ऑल दी सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम the right end। देखो लिखना मत, यहाँ पहले देख लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, यहाँ पे देख लो क्या बोला है क्वेश्चन में।
इफ कंडीशन दिया, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन, मतलब जितने भी सिग्नेचर ऊपर दिए हुए हैं अगर हम उसको निकाल दें, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो 13वां एलिमेंट क्या होगा राइट एंड से। याद रखना ये साइड हमारा ऑलवेज लेफ्ट एंड होता है और ये साइड हमारा ऑलवेज राइट एंड होता है, ठीक है। बोला हुआ है कि अगर अगर हम सारे साइन को ड्रॉप डाउन मतलब होता है डिलीट करना या निकाल देना फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से 13वां एलिमेंट क्या होगा। सिंपल है, काउंट कर लो राइट एंड से 13वां एलिमेंट क्या है, बस सिंबल ड्रॉप डाउन कर देना, तो मतलब स्किप कर देना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको काउंट नहीं करो क्योंकि साइन है। 9, 10, 11, 12, 13, आंसर क्या आएगा हमारा, क्लियर क्लियर है, कुछ डाउट है? यस सर। काउंट कर लो, पहले हम लोग 5 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखना यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, एक दो क्वेश्चन अलग से आएगा तो आएगा। सर हेलो सर, बोलिए बोलिए सर, आप काउंटिंग फिगर कौन से बैच में लेने वाले हो? काउंटिंग फिगर एसएससी का टॉपिक, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद ही लूँ। ओके सर, एसएससी और रेलवे का सेम सिलेबस है, एसएससी और रेलवे सेम सिलेबस है और बैंक और इंश्योरेंस सेम सिलेबस है। भाई साहब बोलो, साहब बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो सर, रिपीट करो ना एक बार, रिपीट करो, देखो क्या बोल, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन, मतलब अगर जितने भी साइन ऊपर दिए हुए हैं अगर हम उसे डिलीट कर दें या निकाल दें, तो 13वां एलिमेंट हमारा राइट हैंड से क्या होगा, 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, और याद रखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये साइड और ये कोना हमारा ऑलवेज लेफ्ट हैंड होगा और ये कोना हमारा राइट हैंड होगा। देखो हमारा हाथ किधर है, लेफ्ट हैंड मेरा ये साइड है ना और राइट हैंड ये साइड है, है ना, तो राइट हैंड से 13वां एलिमेंट काउंट करना है साइन को छोड़कर, तो साइन को छोड़कर काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, दो आंसर आएगा। अच्छा, हो गया लिख के? यस सर, यस सर, कब कर लूं? किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? हो गया? हाँ सर, हो गया। कितना, तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा, चौथा है, फोर्थ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सारे लोगों का 24। व्हाट विल कम, प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क in the given series based on the given arrangement, MDQ, R and N, 2% is 6, 5 copyright X, question mark. देखो यहाँ पर आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है एम डी क्यू, एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए है कि नहीं? Yes, sir. Okay. D में कितने स्टेप आगे जा रहे हो, 2 स्टेप आगे जा रहे हो, राइट?
हाँ डी से कितने स्टेप आगे जा रहे हो, वन स्टेप आगे जा रहे हो, बरोबर। फिर क्या बोला है, आर एंड और एन दिया है, कितने का गैप ले रहे हो बीच में, इनका गैप ले रहे हो ना, इनका गैप नहीं, ठीक है। आर एंड, आर से एंड वन स्टेप, देन टू स्टेप प्लस हो रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। दो का गैप अगेन आएगा, $2, ये टू स्टेप या वन स्टेप, ओके यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आर एंड और एन प्लस टू प्लस वन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टूडेंट बताइए, हो रहा है ना, ठीक। टू परसेंटेज सिक्स लिखा हुआ, तो टू से प्लस टू किया, फिर प्लस वन करेंगे, फॉर्मेट सही जा रहा है, फिर दो का गैप लेंगे हम लोग, फिर क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम आ रहा है, डब्ल्यू एक्स एट, यहाँ पे आएगा W का प्लस टू प्लस एट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू प्लस वन, फिर आगे क्या आएगा बताओ जरा, क्लियर स्टूडेंट बताइए, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। डन सर, डन, बाकी लोग का भी हो गया, हाँ सर रफ कर रहा हूँ मैं, हाँ ऊपर रफ कर रहा हूँ, ऊपर रफ कर, पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th एलिमेंट, टू द लेफ्ट 10th एलिमेंट टेन फॉर्म देखो, जब भी इस तरीके बताता हूं वो फॉलो करना, आंसर इजी वे में आ जाएगा। देखो अगर इस तरीके क्वेश्चन आए सीरीज में जिसमें बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो देखो अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप ना क्या करना, जब भी ये रूल अप्लाई कर लेना, अगर लेफ्ट लेफ्ट दो बार बोला हो तो माइनस करना है, लेफ्ट और लेफ्ट दो बार बोलेगा तो माइनस करना है, राइट राइट अगर दो बार कहे तो माइनस करना है, बट अगर राइट और लेफ्ट कह दे या लेफ्ट और राइट कह दे कोई भी सिक्वेंस हो तो एडिशन करना है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये है क्या, ये रूल है, ये चीज टॉप पे लिख लो आप, सीरीज का अच्छा खासा रूल है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट, एक बार लेफ्ट आया आया कि नहीं आया स्टूडेंट बताइए। यस सर आया। हां सर। ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड सेकंड बार राइट आया कि नहीं आया ना, एक बार लेफ्ट एक बार राइट आया, क्या करोगे, एक बार लेफ्ट आया एक बार राइट आया, ऐड करेंगे दोनों, टोटल कितना आ जाएगा 22 22 आएगा 21 ठीक है 21 आएगा, बट काउंटिंग कहां से करोगे, काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम के बाद जो भी एंड दिया होगा वहां से आप काउंट करोगे, तो फ्रॉम के बाद क्या दिया है राइट एंड दिया हुआ है ना, तो राइट एंड से हम काउंटिंग करेंगे 21 एलिमेंट, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आंसर आएगा हमारा 4। समझ में आया स्टूडेंट आपको? ठीक है नहीं, नहीं समझा नहीं। ओके देखो मैं ये कह रहा था अगर यहाँ पे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट और द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो एक बार लेफ्ट पूछा है और एक बार राइट आया है, तो मैंने ये एक रूल बताया आपको कि एक बार लेफ्ट आए और एक बार राइट आए तो क्या करना है, दोनों एलिमेंट को क्या करना है ऐड करना है, ऐड और 11 को मैंने ऐड किया तो मेरा 23 आया। ठीक है 11 और किसको ऐड किया, 11 और 10 को ऐड किया तो 23 आया ना। अच्छा हां सर बराबर ना, हां हां 21 है बराबर हाँ सर 23 है, अरे 21 है, 10 और 12 10 और 11 कितना होता है सोनी कितना होता है, हाँ सर 21 ओके 21, बट आप काउंटिंग कहाँ से करोगे, फ्रॉम के बाद दिया है राइट एंड, तो फ्रॉम के बाद जो भी एंड दिया होगा लेफ्ट एंड दिया होगा तो यहाँ से काउंट करते, बट राइट एंड दिया तो हमने यहाँ से काउंट किया 21 एलिमेंट राइट। अभी अगर सपोज करो यहाँ पे राइट होता तो क्या करते हैं आप, दो बार राइट आया तो क्या करना है माइनस तो क्या आता है 11 में से 10 माइनस किया तो क्या आएगा 1 और काउंटिंग ऐसे करते राइट हैंड से जेड दिया था, क्लियर चलो नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे हैं हेलो हाँ गायत्री बोलो। सर मुझे क्वेश्चन समझा ही नहीं, मतलब इसका 10 प्लस 11 क्या 21 एंड फ्रॉम राइट एंड इसका कुछ नहीं करता है, फ्रॉम राइट एंड से काउंट करना है, काउंटिंग करना है, देखो एक बार लेफ्ट दिया है एक बार राइट दिया है, ये समझ में आ जाएगी क्या करना, प्लस करना या माइनस करना है, तो आपने देखा प्लस करना है एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो आपने 21 काउंट कर लिया, लेकिन फ्रॉम कहाँ, लेकिन 21 काउंट कहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड से करना है या राइट हैंड से करना है, तो उन्होंने बोला फ्रॉम राइट हैंड हो जाएगा तो प्लीज बताइए। हो गया सर। हो गया सब कर दूं, बाकी लोग बताइए। यस सर। यस। देखिए ये हमारे 5 टाइप के जो क्वेश्चन जो मेजर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा तो कवर नहीं हुआ है, एक दो टाइप और के और बाकी हैं वो हम आगे कवर कर लेंगे, लेकिन 5 जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं जनरली 90% एग्जाम में सीरीज के यही रिपीट होते रहते हैं, हर बार रिपीट होता है, तो अभी आप परफेक्ट हो चुके हो, 90% समझ लो सीरीज के क्वेश्चन को लेके, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है सर, इसका आंसर 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा क्लियर करूं, यस सर, हाँ सर, अभी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ।
रूल लास्ट से फोर्थ नाइन है कि जी है क्या लास्ट से? लास्ट से फोर्थ वाला है, इनके पहले ये जी है। नहीं पूछ रहा हूँ ना। हाँ नाइन है वो। नाइन है। फर्स्ट का फोर। आपके आंसर बुक में मार्क कर लीजिए। सेकंड का सेवन आएगा। ओके ओके देखते हैं आंसर जो भी है बुक में मार्क कर लीजिए, फिर क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, बाकी लोग का भी हो जाने दीजिए, फिर साथ में चेक करते हैं। फर्स्ट का फोर। ओके फर्स्ट का फोर। ओके चेक करते हैं। सेकंड का भी आंसर कर लो, फिर सॉल्व करते हैं साथ। सेकंड का सेवन। सेवन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स बताइए सॉल्व कर रहे हैं या किसी को और टाइम चाहिए? बताइए सॉल्व करें हम लोग। कर रहे हैं यस कर करो सॉल्व करो, हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। चलिए सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, नंबर बोल रहा है कितने इतने नंबर्स है। सांगता माझ्याकडे नाही तर नाहीच मिळणार एक गोष्ट मी टाकतो कुठे पण मिळणारच नाही एक पण काही।
विश्वास नाही मीना तुला त्याच्यात. यस म्यूट करिये, यस म्यूट करिये प्लीज. यस म्यूट करो. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब पीछे हो या आगे, लो बताओ जरा. पीछे साइड ले लो. पीछे. ओके. एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय और आगे. ठीक है, यही फॉर्मेट था सबका. यस यस. ये आईडी करने वाला चीज क्या है आपको, या तो नंबर या तो साइन, दोनों में से कोई. ठीक है, नंबर शुरुआत करोगे तो पीछे लेटर या साइन होना चाहिए. अगर आप साइन शुरुआत कर रहे हो तो उसके नंबर उसके पीछे नंबर और उसके पीछे लेटर होना चाहिए, राइट. चलिए तो नंबर शुरुआत करते हैं. तो नंबर देखो यहाँ पे क्या आ गया, फोर. फोर के पहले है लेटर, साइन है, पहला एक मिल गया ए फोर स्टार, मतलब ए फोर स्टार. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया नंबर, नंबर के पीछे लेटर है ना लेटर, बताइए लेटर है कि नहीं. आगे साइन है क्या, साइन है क्या? नहीं नहीं. यहाँ पे देखो थ्री है, थ्री के पहले चाहिए था लेटर बट यहाँ पे नंबर है, ये होगा नहीं. टू दिया है, इसके पहले चाहिए था लेटर बट ये तो नंबर है, ये तो होगा नहीं. अब नंबर यहाँ पे दिया है, इसके पहले चाहिए लेटर और लेटर के बाद चाहिए साइन, ये देखो ये हो रहा है कि नहीं. यस. ठीक है, अब नंबर देखो क्या है यहाँ पे, इसके पीछे चाहिए था लेटर, लेटर हो गया, इसके पीछे चाहिए साइन, ये भी हो गया, हो रहा है कि नहीं. अब यहाँ पे देखो नंबर दिया है, नंबर के पीछे चाहिए लेटर बट यहाँ तो साइन दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं. अब यहाँ पे नंबर है, साइन है, आगे लेटर है, ये भी हो गया फोर. अब यहाँ पे नंबर है, नंबर के पीछे लेटर बट साइन नहीं, तो इसका आंसर आएगा हमारा फोर. सबका सेम आया था? यस सर. If all the symbols drop down deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 10th element from the right hand? Directly count करना है from right hand से 10th element. तो count करते हैं और symbols को drop down कर देते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Clear? Yes, sir. Drop down कर लिया सर. Drop down किया सबका? सर आप लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेट नंबर फाइव था क्या, लास्ट क्वेश्चन में ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था ना उसमें नंबर फाइव था क्या? नंबर फाइव ए और डब्ल्यू के बीच में फाइव था क्या? कौन से क्वेश्चन में सर, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन दिया था ना वो स्टेटमेंट में ए और डब्ल्यू के बीच में फाइव नंबर था क्या? एक बार देखता हूँ. A और W के बीच में कोई नंबर नहीं था, कोई नहीं था. ओके सर. सर आपने मतलब सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम कंक्लूजन में रॉन्ग हुआ था ना सर, वो बता रहे हैं. वो ऊपर स्टेटमेंट में बोल रहे हो ना चंद्रशेखर, लास्ट वाले क्वेश्चन में A और W के बीच कुछ भी नहीं है. सर आपने सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम लिया था ना जब मेरा सीरीज हुआ था तो उसमें नंबर फाइव था, तो मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक आप मतलब आपने लिखा नहीं था. नहीं, हर बार क्वेश्चन मतलब नंबर होगा लेकिन लिखना तो नहीं है, वो हिसाब से क्वेश्चन याद नहीं रहता मुझे. क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, मैं लेते रहता हूँ, बताते रहूँगा. हेलो, बोलो क्या बोल रहे थे आप? डिलीट, सारे डिलीट कर दिए, सारे साइन सिंबल जितने भी सारे डिलीट कर दिए. और आपको काउंट कितना करना है, 10. उसमें ये नहीं कहा है कि कितना डिलीट करना, इससे बोला है कि सारे साइन आपको डिलीट करने और डिलीट करने के बाद काउंट करना है 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट. समझा कि नहीं समझे? वो बोल रहे हैं कि जितना भी साइन है, ये जो साइन ये वाले साइन सबको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद हमारा 10वां नंबर क्या होगा राइट हैंड से. तो हमने क्या किया, 10वां नंबर डायरेक्टली काउंट कर दिया क्योंकि डिलीट करते नहीं बैठेंगे, हमारे पास टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो इसको इग्नोर करेंगे. तो देखो एक इसको हटा दिया, साइन है ना, हटा दो, दो तीन चार ये भी साइन है, इसको हटा दो, पाँच छः सात आठ नौ दस,
हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे थे? सेम क्वेश्चन था सर मेरा भी, हो गया लेकिन अभी डाउट क्लियर है क्या सर? डाउट क्लियर हो गया कि मतलब? हाँ हाँ क्लियर हो गया। तो रफ कर दूँ लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वही लिख लो फटाफट। हो गया सर। हाँ रफ कर। स्टार एन ए या एम सर जो फर्स्ट वाला है उसमें थर्ड वाला वी चाहिए था। थर्ड वाला वी चाहिए। वन का गैप है ना, तो आपने हैश जो देखी तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी होते हैं। 3-2 नहीं बराबर है। ECG आएगा। और एक मिनट जो मैं देख लेता हूँ। @J 3-2 ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बाकी लोग को बताऊं? ECG देखते हैं। बाकी लोग सॉल्व कर लो। हेलो सर। हेलो सर, सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो S3V है कि 5-3V? S3V ओके।
हो गया स्टूडेंट बताइए, हो गया थोड़ा टाइम चाहिए। हो गया या फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है? फर्स्ट वाला नहीं आ रहा, सेकंड वाला आया। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। देखो क्या बोला है, ए स्टार एन, ये हमारा स्टार है, ए स्टार एन, ए से स्टार हो रहा है, कितने से स्टार हो रहा है, प्लस टू से हो रहा है ना, बट एन देखो कहाँ पर है, लास्ट में है, बरोबर, ठीक है। थ्री टू प्लस कितना गैप दे दिया, एक का गैप दिया, थ्री से टू करेंगे प्लस टू हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। और प्लस कहाँ पर जो है देखिए, प्लस कहाँ पर है, अच्छा सर अभी आ गया ये लाइन से, सेकंड एग्जैक्टली। फिर कितने गैप दिया है, दो का गैप दिया, पहले कितना गैप दिया था, एक का दिया था, अब दो का गैप दे रहा है, अब प्लस टू करेंगे तो जे आ रहा है, फिर थर्ड लास्ट लेंगे यू आ गया, अब कितना गैप होगा, तीन का गैप होना चाहिए, तो तीन का गैप आ गया, फिर डी आ गया, प्लस टू करेंगे, प्लस टू है ना, एच आ जाएगा और ये आ जाएगा नाइन। अब कितने गैप करोगे आप, चार का गैप करोगे ना, चार का गैप करेंगे तो क्या आएगा, ई सी और जी, ई से प्लस टू और सेकेंड लास्ट का जी, क्लियर? पहला क्लियर हो गया, कोई डाउट है पूछना पहले वाले में? नहीं। ठीक है चलो फोर्थ वाले में आ जाओ, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव ऑफ ग्रुप इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन द गिवन अरेंजमेंट एंड हैज फॉर्म अ ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब पांच में से चार लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, बट हमें वो ढूंढना है जो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो एस थ्री वी दिया हुआ है, देखो एस थ्री वी दिया हुआ है, एस कहाँ पर है, देखो यार कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, नहीं तो क्या लू बताओ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्किप करो क्वेश्चन को। मैं कुछ सुधार करता हूँ, तो एल जे डी एल माइनस वन वन टू थ्री नहीं है, नहीं है, दोनों भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब एक को सुधार सकते हैं, दो को नहीं। तो रब कर दूं मैं, दिख रहा था क्या? नहीं। कितने क्वेश्चन हुए, तीन हुए ना? हाँ सर। चौथा वाला प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ दो उसको। तो ये लिख लो लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन फोर्स बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट द मैन is coded as star star plus star star plus हो गया, बताओ serial आ गया था, and LED coded as JC hashtag how will coded. बताइए क्या आएगा,
एन टू एक मिनट देखा दो एन टू बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है EN2 क्या आंसर नहीं आ रहा है आपको नहीं आ रहा है बाकी लोगों का आंसर आ रहा है EN2 चलिए सॉल्व करें हम लोग यस सर चलो यहाँ पे देखिए EN2 क्या बोल रहे हैं मैन इज कोडेड एज स्टार स्टार प्लस LED कोड हुआ है JC हैशटैग देखो मैन कोड हुआ स्टार स्टार प्लस ठीक है देखते हैं यहाँ पर मैं ए का कोड दिया है एम का कोड दिया है स्टार जस्ट पीछे दिया है जस्ट पीछे ए का कोड दिया है स्टार प्लस टू मैं एक गेस करता हूँ प्लस टू और एन का कोड दिया है प्लस जस्ट पीछे दिया माइनस वन यही होगा अब इसका भी चेक कर लेते हैं L का कोड माइनस वन से आना चाहिए L का माइनस वन से J आ गया देखो माइनस वन J हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है yes, sir. और यहाँ पे प्लस टू है तो यहाँ से भी प्लस टू होना चाहिए तो E का प्लस टू सी होना चाहिए देखो E का प्लस टू सी हो गया और D का माइनस वन होना चाहिए तो हैशटैग आ गया माइनस वन हो गया हैशटैग हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट बताइए आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना तो ट्यूब का भी कोड इसी तरीके से निकालिए माइनस वन प्लस टू माइनस वन तो टी का माइनस वन क्या हो जाएगा टी कहाँ पर है टी हो जाएगा यू का प्लस टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा माइनस वन प्लस टू क्या है हाँ क्या बोल रहे हो बोलो ये माइनस वन प्लस टू क्या है इसका कोड है ये देखो ना एम का कोड दिया स्टार तो M का स्टार किसे बाजू में है ना हाँ तो कितने से बाजू में माइनस वन करके एक स्टेप पीछे है ना यस 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 तो माइनस वन किया अभी एक का कोड है स्टार तो यहाँ पे देखो स्टार प्लस टू किया ओके फिर एम का माइनस वैसे किया तो क्यूब का कोड क्या माइनस टी का माइनस वन टी यू का प्लस टू हो जाएगा एन और बी का माइनस वन लेना है तो टू हो जाएगा तो ई एन टू हमारा आंसर आएगा क्लियर रख कर दो इसे मैं सर रुको हो गया सर हो गया चलो अभी मिक्स में और एक कुछ और एक सेट ले लेता हूं मैं जिससे हमारा मिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर मिक्स का छोड़ के हम लोग अभी अल्फा वाला पढ़ेंगे या न्यूमेरिक वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिक्स का भी एक सेट ले लेता हूं जिससे कंप्लीट हो जाएगा
सॉल्व करिए। तो थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? इमीडिएटली। वन है इसका आंसर। सर वन है। क्या आंसर है आपका? वन सर वन आएगा। नहीं समझ में आया। बोला है हाउ मेनी नंबर्स, ये हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं। रिट्रीट मतलब पीछे बॉबल होना चाहिए और आगे इवन नंबर होना चाहिए। देखो हाउ मेनी सच नंबर नंबर ले लेंगे हम लोग आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली रिट्रीट मतलब पहले आएगा बॉबल मतलब ए पी आई ओ यू होना चाहिए और फॉलोड बाय इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो दो से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर वो नंबर दो से डिविजिबल नहीं होता है। तो देखो वॉवेल नंबर और अगेन नंबर चाहिए तो दो बार नंबर साथ में चाहिए। बट ये जो नंबर होगा इसमें इवन प्लस ऑड दोनों होना चाहिए क्योंकि नंबर बोला है या फिर स्पेसिफिक इवन बोला। राइट राइट यही बोला है स्टूडेंट बताइए। हाँ सर। ले लो इजी हमारा इवन नंबर गिरेगा इवन नंबर ले लो। यहाँ पे इवन नंबर क्या है सिक्स। सिक्स के पहले भी नंबर चाहिए बट यहाँ पे नंबर नहीं है तो नंबर ही मिला। और नंबर के पहले क्या चाहिए वॉवेल तो नंबर के पीछे वॉवेल है कि नहीं तो फोर फाइव यू एक मिल गया। अब चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर है इवन नंबर के पीछे नंबर चाहिए बट यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो ये नहीं होगा और ये आंसर वन आएगा। क्लियर स्टूडेंट रब कर दूं इसे मैं। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर टू द राइट ऑफ द 12 फ्रॉम द राइट एंड सॉल्व करो। ठीक है बाकी लोग कर आ जाएंगे। एक बार क्वेश्चन रीड करिए ना मुझे दिख नहीं रहा है नेटवर्क का इश्यू की वजह से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
is 4th to the right of the 12th from the right end. C. C, sir. Sierra. सॉल्व करें, देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द राइट. एक बार राइट आया, अगेन राइट आया. जब राइट आया तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं. माइनस 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8. 12 में से तो 8 बचेगा. काउंटिंग कहाँ से करना है? फ्रॉम के बाद जो भी दिया होगा वहां से काउंट करना है. तो राइट हैंड से काउंट कर लो 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आएगा सी. सी सब कर दो. यस सर. हाँ सर. देख रहे हो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है. वो 5 क्वेश्चन का जो सेट है ना वही रिपीट हो रहा है सर. वही 5 क्वेश्चन के सेट है और नहीं है क्या? के हाँ ऐसे आएंगे 5 क्वेश्चन के सेट में से हैं. थर्ड स्टार डॉलर भी तो स्टार डॉलर भी आ रहा है. ओके बाकी लोग का ध्यान दीजिए. सर फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन अभी थर्ड आया एक फोर्थ आया, अलग अलग आंसर आ रहा है. फिर और दो तीन लोग का देख लेते हैं फिर समझ में आएगा कौन सा राइट. क्या आंसर आ रहा है सुन बताइए. आया नहीं आ रहा है? सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करिए, थोड़ा टाइम चाहिए. बताइए स्टूडेंट थोड़ा टाइम चाहिए. सॉल्व करूं मैं? सर सॉल्व करो ना. चलिए सॉल्व करते हैं. देखो चार लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और एक कौन सा ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है वो आंसर ढूंढना है. 2A5 दिया है. 2 इधर है, A इधर है और 5 इधर है. तो 2 से A कितना स्टेप आगे जा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7. तो प्लस 7 A की तरफ जा रहे हो. और फिर A से 5 की तरफ कितना स्टेप पीछे जा रहे हो? 1 2 3 4 5. तो प्लस 7 माइनस 5 का
फॉर्मेट होना चाहिए सब में। तो फाइव से सेवन देखो, फाइव से सेवन देखो, फाइव कहाँ पर है, यहाँ पर है, सेवन यहाँ पर है, तो प्लस सेवन होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, प्लस सेवन हो रहा है कि नहीं? और प्लस सेवन से माइनस फाइव होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी क्लियर हो रहा है, ग्रुप फॉर्म हो रहा है, हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट बताइए? यस सर। ठीक है, स्टार से प्लस सेवन करना है, स्टार से प्लस सेवन करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, प्लस सेवन हो गया। अब प्लस सेवन यहाँ से माइनस फाइव करना है, वन टू थ्री फोर फाइव माइनस फाइव, ये भी ग्रुप फॉर्म हो रहा है। अब देखो बी सी सिक्स से यहाँ पे दिया है, तो बी से सिक्स तक प्लस सेवन होना चाहिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बट ये तो सिक्स हो रहा है ना स्टूडेंट बताइए? यहाँ पे सिक्स हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है जो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। नोट डाउन कर लो, रफ कर दो। नहीं सर रुको, सर लास्ट वाला ऑप्शन सिक्स वी थ्री है कि सिक्स वी एस है? डिविजिबल ये लिखा मैंने यहाँ पे, तो प्लस सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस सिक्स करना है वन टू थ्री फोर, माइनस फोर किया है तो प्लस सिक्स माइनस फोर, ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट से अलग आ रहा है, ग्रुप से अलग आ रहा है, इसलिए वो हमारा आंसर होगा। लिख लो आप जल्दी फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देते हैं। हो गया सर लिख के, हो गया रब कर दूं? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क in the following series based on the given arrangement. At the rate 5-3, star C4, 7-6, question one. Solve the real. चलिए सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें बताइए। देखो यहाँ पे एट द रेट फाइव थ्री दिया है, एट द रेट यहाँ पर है, फाइव यहाँ पर है और थ्री यहाँ पर है, एट द रेट से फाइव कितने स्टेप आगे जा रहे हो, तीन स्टेप आगे जा रहे हो राइट ना, तो प्लस थ्री, और फाइव से थ्री कितने स्टेप पीछे जा रहे हो, एक दो तीन चार, माइनस फोर, फिर दिया स्टार, कितना गैप छोड़ रहे हो आप बीच में, एक का गैप छोड़ रहे हो, स्टार से कितना प्लस थ्री होना चाहिए, स्टार से कितना प्लस थ्री, वन टू, देखो वन टू थ्री प्लस थ्री हो गया, और माइनस फोर होना चाहिए स्टार से, तो माइनस फोर करेंगे तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर, फोर आ गया कि नहीं, प्लस थ्री माइनस फोर, फिर डायरेक्ट सेवन दिया, एक का गैप आया, आया कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बताइए। यस आ रहा है।
तो सेवन से प्लस थ्री करेंगे तो थ्री आएगा और माइनस फोर करेंगे तो सिक्स आएगा, फिर एक का गैप लेना है हमें, एक का गैप लेना है, फिर हाँ परसेंटेज, अब परसेंटेज से प्लस थ्री करेंगे तो क्या आएगा वन टू थ्री जे, और उससे माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा हैशटैग, सबका यही आंसर आया था परसेंटेज जे हैशटैग। यस सर, यस सर, ठीक है, ये था हमारा मिक्स वाला फॉर्मेट जो हमने आज देखा। अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे पूरा बाकी का जो रिमेनिंग चार टाइप है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि आज हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, पांच क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा, बट वही पांच क्वेश्चन हर हर टाइप में रिपीट होगा, तो कम टाइम में हम लोग कल लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन लिया, कोई डाउट तो नहीं था इसमें, कोई डाउट था इसमें? नहीं सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच क्लास, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, टेक केयर।